रिजोनेंस के बारे में, ठीक है, रिजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, यानी एलसीआर सर्किट में रिजोनेंस कब होता है, ठीक है, यानी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति कब उत्पन्न होती है उसको हम आज करेंगे, ठीक है। हम एक एलसीआर परिपथ बनाते हैं, सपोज ये हमारा एल है, ये सी है और ये आर है, इसको हम एक एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। और किसी टाइम इसमें जो करंट मैं मान रहा हूं क्या हो रहा है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट इसमें, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये अनुनाद की स्थिति कब उत्पन्न होती है, हमने एलसीआर सर्किट लिया है, एलसीआर सर्किट में इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको तीन केस बताए थे, इसका हमने फेजर डायग्राम भी बनाया था। फेजर डायग्राम अगर हम किस किस के बीच बनाया था, एक तो हमने वी नॉट एल, वी नॉट सी और वी नॉट आर इनके बीच बनाया था। ये पीक वैल्यूज होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नहीं है, केवल पीक वैल्यूज है, वे वी नॉट है, शिखर मान है, ठीक है। और एक हमने एक डायग्राम बनाया था किसके बीच, एक्स एल, एक्स सी और एक्स आर के बीच बनाया था। इससे आपको परिपथ की प्रतिबाधा मिलती है, इस डायग्राम से प्रतिबाधा बोले तो जेड इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट आप इससे निकालते हैं, क्लियर है, और इससे आप पीक वैल्यूज निकालते हैं कितना उसका पोटेंशियल, ठीक है। और अब इसमें हमने तीन चीजें करी थी, पहली चीज हमने जो इसमें करी थी, अगर VL VC से बड़ा हो, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, यानी यानी जो ये पीक वैल्यू है, ये शिखर मान है VL, V नॉट है, ये इस शिखर मान से ज्यादा है, तो उस केस में इसका मतलब क्या है, XL XC से ज्यादा है। XL क्या चीज है, प्रेरकी प्रतिघात और ये धारिती प्रतिघात, ठीक है, ये XL XC। अगर इस केस में क्या होगा, XL लीड करेगा किससे, XC से बड़ा होगा। अगर ये कंडीशन होती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो पोटेंशियल होता है वो करंट से आगे होता है, पोटेंशियल करंट से आगे होता है, पोटेंशियल लीड्स द करंट, पोटेंशियल लीड्स द करंट इन केस व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, सो इन दैट केस पोटेंशियल विल लीड द करंट, पोटेंशियल करंट से आगे होगा, यानी विभवांतर धारा से अग्रगामी होगा, या आप बोल सकते धारा पश्चगामी होगा, धारा करंट विल करंट लैग्स, करंट लैग करेगा, जो करंट होगा धारा होगा वो पश्चगामी होगा, किस केस में, पहले वाले केस में। इसमें हमने सेकंड केस भी करा था, इफ VC इज ग्रेटर देन VL, अगर VC लीड करे, ये लीड करे, ये ज्यादा हो इससे, इट मींस XC बड़ा हो किससे, XL से, तो इन दैट केस, उस केस में अगर ये बड़ा है तो उस केस में ये कैपेसिटर वाला सर्किट बन जाएगा, तो अब क्या होगा, पोटेंशियल पीछे आ जाएगा, करंट आगे आ जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा, करंट विल लीड द पोटेंशियल, करंट पोटेंशियल से लीड कर जाएगा, करंट पोटेंशियल से आगे हो जाएगा, इन दैट केस व्हेन दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, यानी जब VC VL से बड़ा है, या बोले तो XC XL से बड़ा है, तो उस केस में करंट यानी धारा अग्रगामी होगी और विभवांतर पश्चगामी हो जाएगा, उल्टा। तीसरा, ये तो हमने दो केस उस लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए थे, तीसरा लेक्चर में आपको बताया था, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, इफ VC इज इक्वल टू VL, या बोले तो XL इज इक्वल टू XC, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल हो जाए, सो इन दैट केस ये इक्वल हो गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये इक्वल हो गए, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये करंट और पोटेंशियल दोनों एक ही फेस में आ जाएंगे, करंट भी यही को होगा, पोटेंशियल भी यही को होगा, दोनों से ही फेस में आ जाएंगे, इसका मतलब उस केस में VL VC कुछ नहीं है, केवल ये प्योर रेसिस्टिव सर्किट बन जाएगा, उस केस में प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेस में आ जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिजोनेंस कंडीशन, ये रिजोनेंस की कंडीशन है, अनुनाद की अवस्था होती है, तो अनुनाद की अवस्था कब होती है, व्हेन VC इज इक्वल टू VL, या बोले XL इज इक्वल टू XC, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम रिजोनेंस यानी अनुनाद की स्थिति बोलते हैं LCR परिपथ में। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, रिजोनेंस की कंडीशन आ जाती है, तो इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होंगे, क्या इसके बोले तो इसके क्या परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे,
in case when the resonance occur in the LCR circuit. LCR circuit में resonance की स्थिति आ जाएगी, so उसके coincidence क्या होंगे, उसके consequences, sorry, उसके consequences क्या होंगे, परिणाम उसके क्या क्या होंगे, जरा इसको हम देखते हैं. पहला परिणाम तो यही होगा, कुछ मैंने क्या कहा आपसे, हमने कहा कि जो जेड है, परिपथ की जो प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस जेड होता है, वो क्या होता है, जेड होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल डिफरेंस एक्स सी स्क्वायर. डिफरेंस इसलिए क्योंकि कभी एक्स सी बड़ा होगा, कभी एक्सएल बड़ा होगा, हमने पढ़ा है, ठीक है. अब इस केस में क्या होता है, रेजोनेंस की कंडीशन में एक्स और एक्स सी दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो, तो बचा आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आर हो जाएगा, तो इसका मतलब उस केस में जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा. सो इन केस ऑफ द रेजोनेंस जो जो जिस डायरेक्शन में आपका रेसिस्टेंस होगा, जो ये रेसिस्टेंस होगा किसके इक्वल हो जाएगा, इंपीडेंस के इक्वल हो जाएगा. रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, और ये जो इंपीडेंस आएगा, जो प्रतिबाधा आएगी, मिनिमम वैल्यू होगी, होगी नहीं होगी बताओ, क्योंकि अगर आप प्लस कुछ करते तो वो कुछ बड़ा होता. अब ये वैल्यू पूरी की वैल्यू जीरो हो गई है, तो इसका मतलब इस केस में जो जेड आया है मिनिमम जेड आया है, तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है क्या होती है, न्यूनतम होती है. इन केस ऑफ द अनुनाद, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है, तो मिनिमम वैल्यू आप बोल सकते हैं दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपीडेंस, यानी इंपीडेंस की मिनिमम वैल्यू होगी इन केस ऑफ रेजोनेंस. बच्चों बात समझ में आई. दूसरा केस इसमें क्या होगा, हमने पढ़ा था दूसरा केस, इसमें देखो दूसरा केस. अब हम फेज डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फेज डिफरेंस के लिए मैंने आपको बताया था tan phi इक्वल टू क्या होता है, tan phi इक्वल टू होता है xl डिफरेंट से xc by r, यही तो होता है tan phi. अब x और xc तो एक जैसे हैं, बराबर हैं, तो इट मींस tan phi विल बी इक्वल टू 0, tan phi 0 को इक्वल हो जाएगा, इट मींस जो phi होगा वो 0 हो जाएगा. इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या है, करंट और पोटेंशियल के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा. इट मींस करंट और पोटेंशियल दोनों वी आर जहां होगा वही आपका करंट भी होगा, दोनों एक ही फेज में होंगे. सो देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट. पोटेंशियल और करंट दोनों समान कला में हो जाएंगे, किस स्थिति में, अनुनाद की स्थिति. बात समझ में आ गई. अगर समान कला में आ जाएंगे तो ये कौन सा सर्किट बन गया, ये आपका प्योर रेसिस्टिव सर्किट बन गया. इट इंप्लाइज द सर्किट बिकम्स प्योर रेसिस्टिव सर्किट. तो अब जो सर्किट आपका बन गया, इन केस ऑफ द रेजोनेंस द सर्किट विल बी प्योर रेसिस्टिव सर्किट. तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट, शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ आपका बन जाएगा अनुनाद की स्थिति में. क्लियर हो गया. दूसरा ऐसा कॉन्सिक्वेंस होगा. तीसरा इसका जो परिणाम आपको निकल के आएगा वो ये है, अगर मैं इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालूं, आई नॉट, आपको पता है आई नॉट इक्वल क्या होता है, वी नॉट बाय जेड, यही तो होता है आई नॉट इक्वल वी नॉट बाय जेड. अब आपको पता है जेड जो वैल्यू आ रही है इन केस ऑफ द रेजोनेंस, जेड जो है मिनिमम वैल्यू है, अगर ये जेड मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा नहीं होगा, यस, तो करंट आपका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम करंट. तो इन केस ऑफ द रेजोनेंस द करंट इज मैक्सिमम. तो रेजोनेंस की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में जो धारा होगी वो उच्चतम मानते हो, उच्चतम. क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि जेड मिनिमम है ना. क्लियर है, ओके. ये बात थी किसकी, हमारी, इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए सामने, ठीक है. अब रेजोनेंस की कंडीशन, जब अनुनाद की स्थिति आ जाएगी, उस स्थिति में आवृत्ति कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एसी सोर्स की, क्या आवृत्ति होगी, यानी इस एसी सोर्स की क्या फ्रीक्वेंसी सेट हम करें कि रेजोनेंस की कंडीशन बन जाए, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी हम सेट करें, तो हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं, उसको हम बोल देंगे अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति बोलो, या बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है. अब हमने क्या निकाला इसका, फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ रेजोनेंस, अनुनादी आवृत्ति हम निकालना चाह रहे हैं.
तो हमें एक चीज पता है, हमें चीज पता है कि XL इज इक्वल टू XC होता है। अब XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L, और XC की वैल्यू होती है 1/ωC, ये सब पढ़ा हुआ है। अब मैं अनुनाद की स्थिति में रेजोनेंस की कंडीशन में ओमेगा को ओमेगा नॉट लिख रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में आप अगर ओमेगा की वैल्यू निकाल, ओमेगा नॉट इक्वल टू निकाल रहे हैं, तो एल यहां डिवाइड में आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1/√LC, होगा ही होगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रखेगा तो स्क्वायर रूट आ गया, क्लियर है। अब ये तो फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2πf, क्या होती है, ओमेगा को हम लिखते हैं 2πf। अब नॉट ले तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इन केस ऑफ रेजोनेंस हो जाएगा 2πf नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, तो इट इंप्लाइज f नॉट इक्वल्स टू 1/√2π√LC। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस की स्थिति में जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सर्किट की, सॉरी एसी सोर्स की, वो ये होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, अनुनादी आवृत्ति है, ठीक है। तो ये था हमारा रेजोनेंस इन LCR सर्किट, ठीक है। कल यहीं से हम आगे पढ़ेंगे, इसके कुछ और आपको इंटरेस्टिंग चीजें इससे रिलेटेड हम बताएंगे कल, ओके ओके।